म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंचा दोपहर में सोकर उठती है तो अपना पेट पकड़े हॉल में आती है। इधर उधर देखने पर जब उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती तो वो उसे आवाज लगा कर कहती है, माँ माँ कहाँ हो आप? घर में हो भी के नहीं? घर में ही हूँ, कमरे में शांति से भजन सुन रही थी। तुझे क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं तो। हाँ फिर जोर की लगी है तो बाथरूम जाना, ऐसे पेट पकड़ कर क्यों खड़ी है? माँ मुझे जोर की लगी है लेकिन उसके लिए मुझे बाथरूम में नहीं आपको रसोई में जाने की जरूरत है क्योंकि मुझे भूख लगी है। चंचल तेरा पेट है कि कुआ? अभी कुछ देर पहले तूने नाश्ता किया था ना? माँ कुछ देर बीते हुए थोड़ी देर हो गई है इसीलिए ना गरम गरम पराठे बना दो। पराठे तो बना दूँ, खाएगी किसके साथ? क्योंकि सब्जी तो कोई है नहीं और अचार खत्म हुए 4 दिन हो गए हैं। माँ घर में गरीबी छाई हुई है क्या मतलब? अभी सूखे पराठे खाने के दिन आ गए हैं। अरे कुछ तो दे दो। सुषमा रसोई में जाती है और कुछ देर में उसके लिए चीनी के पराठे बना कर ले आती है जिसे खाते ही चंचल कहती है, वाह माँ मीठे पराठे तो बड़े मस्त लग रहे हैं लेकिन आज से पहले तो आपने कभी नहीं बनाए चीनी के पराठे। अरे चीनी के पराठे सेकते हुए तवे पर चिपक जाते हैं ना, इसलिए नहीं बनाती। पर मैंने सोचा तो सूखा पराठा कैसे खाएगी तो मैंने ये चीनी का पराठा बना दिया। वाह माँ तभी कहते हैं जब तक माँ हो बच्चे भूखे और स्वादिष्ट खाने से दूर नहीं रह सकते। मुझे तो ये चीनी के पराठे बहुत ही पसंद आए, 2-4 और ले आओ। अरे कहाँ से ला दूँ, 2-4 ही बनाए थे तो खाकर प्लेट धोकर रख दियो वरना चीनी के चलते चींटियां लग जाएंगी प्लेट में। इतना कहकर सुषमा अपने कमरे में चली जाती है और चंचल गपा गप सारे चीनी के पराठे खा जाती है। समय बीतता है तब से उसे मीठे पराठे यानी चीनी के पराठे भासे जाते हैं। एक रोज वो अपने फ्रेंड के साथ एक ढाबे पर जाती है तो उसकी दोस्त रिधिमा कहती है, हाँ तो जल्दी जल्दी बोलो किसको क्या खाना है। क्यों तू ऑर्डर लेने वाली है क्या? ठीक है फिर तो मैं आज मस्त पनीर पराठे खाऊंगा हरी चटनी के साथ। अबे यार तुझे ढाबे पर आकर भी पराठे ही खाने हैं, नान चावल या कुछ और खा ले। क्यों पराठे में क्या दिक्कत है, मुझे भी खाने हैं पराठे तो। ये हुई ना बात, बोल चंचल कौन से पराठे खाएगी? मुझे मीठे पराठे खाने हैं। क्या मीठे पराठे? ओ माते ये मीठे पराठे कौन से डिश है? मेरी मम्मी की डिश, पता है कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे लिए चीनी के पराठे बनाए थे। हाँ तो घर जाकर खाइयो, ढाबे पे कहाँ तुझे चीनी के पराठे मिलने वाले हैं, यहाँ के मेन्यू में तो कहीं नहीं है। अरे यार मेन्यू में सब कुछ थोड़ी ना लिखा होता है, उन भैया से पूछ लेते हैं। अरे भैया जरा यहाँ तो आना। तभी वो आदमी चंचल के बुलाने पर वहाँ आता है और उसे कहता है, जी बोलिए क्या ऑर्डर है आपका? वो भैया आपके यहाँ चीनी के पराठे मिलते हैं? जी नहीं मैडम, जो मेन्यू में लिखा है बस वही मिलता है, और चीनी का पराठा यहाँ तो क्या आपको किसी भी ढाबे पर नहीं मिलेगा। क्या भैया इतना बड़ा ढाबा है लेकिन चीनी के पराठे नहीं है आपके मेन्यू में, छोड़िए हमें नहीं खाना आपके ढाबे पे खाना। भैया आप इसका छोड़ो, मेरे लिए एक प्लेट पनीर पराठा और इसके लिए बटर नान ले आना। जी अभी लाया। ऑर्डर लेकर वो आदमी खाना लेने चला जाता है। ढाबे पर चीनी का पराठा ना मिलने पर चंचल कुछ नहीं खाती और घर आने पर अपनी माँ से चीनी का पराठा बनाने को कहती है तो उसकी माँ गुस्से में कहती है, अरे मैंने नमकीन चावल बनाए हुए हैं वो खा ले जाकर, अभी चीनी का पराठा किस खुशी में बना दूं? माँ मुझे चीनी का पराठा पसंद है तो वही खाऊंगी ना, अभी मेरा चावल खाने का जरा भी मन नहीं है। हाँ तो ऐसा कर, वो रहा किचन, इन पैरों से चलकर जा और वहाँ खुद बना ले और जितना चाहे उतना खा ले। माँ मुझे बनाने आते तो मैं आपको तकलीफ क्यों देती, प्लीज माँ बना दो ना, आगे से मैं बना लिया करूँगी, आप मुझे सिखा देना। लगता है गलती ही कर दी तुझे चीनी के पराठे खिलाकर, ला रही हो बनाकर, मुँह मत बना। तभी सुषमा पराठे बनाने रसोई में जाती है और कुछ देर में चंचल चीनी के पराठे लिए अपने कमरे में बैठकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, अब वो खुद ही मीठे चीनी के पराठे बनाकर खाया करती। एक रोज जब वो हॉल में बैठी चीनी के पराठे खाकर खत्म कर देती है तभी वहाँ उसकी पड़ोसन मंजू आती है और प्लेट के पास ढेर सारी चींटियां देखकर कहती है, सुषमा अरे ओ सुषमा। अरे मंजू बहन तुम यहाँ, क्या बात है? वो तो मैं पूजा के लिए तुझे बुलाने आई थी। वैसे एक बात तो बता, घर में सफाई नहीं रखती क्या तू? देख तो सही चंचल के आगे पड़ी प्लेट में कितनी चींटियां चल रही हैं। हे भगवान जरूर इस लड़की ने चीनी का पराठा खाया होगा, ये लड़की भी ना। अरे वो ये कुछ मीठा खा रही थी,
तो बस उसके चलते ही चीटियां लग रही हैं। मीठा, यानी तूने घर पे कुछ मीठा बनाया है? क्या बनाया है, मुझे नहीं चखाएगी? नहीं, क्योंकि जो बनाया था खत्म हो गया, अभी दोबारा बनेगा तब आइयो, और मैं समय से आऊंगी पूजा में, ठीक है? हाँ हाँ, जा रही हूँ। मंजू अपने घर चली जाती है तो सुषमा चंचल को घूरने लगती है। तभी चंचल अपने कमरे में जाती है तो सुषमा उसे टोकते हुए कहती है, पेट भर गया तो कमरे में चल दे, और महारानी यहाँ जो चीटियाँ लग रही है, प्लेट धोने के लिए कोई बाहर से आएगा क्या? माँ थोड़ी देर में धो देती हूँ ना। हाँ, जब तक इसमें चीटियाँ लगने दो, मैं ना घर में चीनी लाना ही बंद कर दूंगी। जब मन करता है चीनी के पराठे बनाकर ठूसने बैठ जाती है, ऐसे तो राशन की सारी चीनी ही पराठे खा के निकाल देगी तू। नहीं माँ, इतनी भुक्कड़ नहीं हूँ, और मैं तो कहती हूँ आप भी ये मीठे पराठे खाया करो, जब देखो करेले साग कड़वा कहती हो। हाँ, अभी बातों में भी तुझे मिश्री घोल कर दूँ। चल प्लेट उठा और टेबल भी साफ कर, पूरे में कैसे चीटियाँ चल रही हैं बताओ तो। अपनी माँ का गुस्सा देखकर चंचल प्लेट उठाकर रसोई में जाती है। समय बीतता है लेकिन चंचल का चीनी के पराठे खाना नहीं छूटता। एक रोज उसकी पड़ोसन मंजू उन्हें अपने घर खाने पर बुलाने आती है। चंचल के लाख मना करने पर भी सुषमा उसे जबरदस्ती उसके घर ले जाती है। जहाँ पहुँचते ही मंजू उससे कहती है, अरे आ गए तुम माँ बेटी, आओ आओ, तुम्हारे इंतजार में तो खाना भी ठंडा हो गया। हाँ तो हम वापस ही चलते हैं, वो क्या है ना, मुझे ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है। ओहो ठहर जा, इतने प्यार से तेरी आंटी ने खाने पे बुलाया है, और खाना ठंडा हो गया तो फिर गर्म हो जाएगा, क्यों मंजू बहन? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। तभी दोनों खाने की टेबल पर बैठते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि खाने में मंजू ने तरह तरह के पराठे बनाए थे, साथ ही और भी बहुत सारी डिश थी। इतनी तरह के पराठे देखकर चंचल के मुंह में पानी आता है और वो बिना कुछ पूछे ही खाना शुरू कर देती है, और एक एक करके सभी तरह के पराठे चखती है। और कुछ देर में दोनों खाना खा के घर आते हैं तो सुषमा कहती है, क्या बात है, आज तो तूने चीनी का पराठा खाने की जिद ही नहीं की। अरे हाँ, इतने तरह के पराठों के बीच में तो चीनी के पराठे के बारे में भूल ही गई थी, पर कोई नहीं, मीठा पराठा कितना अच्छा लगता हो, लेकिन उसके चक्कर में खाने में और भी तो चीजें होती है, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। आज मंजू आंटी के घर पर मस्त खाना खाकर तो मजा ही आ गया। इसलिए तुझे जबरदस्ती ले गई थी ताकि चीनी के पराठे खाने के अलावा भी तू कुछ और चखे, एक ही चीज खाने का आधी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ सही कहा आपने, अब से मैं मीठा पराठा हमेशा नहीं खाया करूँगी। इस तरह चंचल हर वक्त चीनी का पराठा खाने की आदत खुद ब खुद छोड़ देती है, और कभी कभी जब उसका मन आता तभी वो चीनी का पराठा खाती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।